नए कृषि कानूनों के खिलाफ देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। हालांकि बिहार जैसे कृषि प्रधान राज्य में अभी तक इन कानूनों के खिलाफ कोई प्रदर्शन देखने को नहीं मिला है। किसानों ने कोई प्रदर्शन नहीं किया, हालांकि राजनीतिक दल प्रदर्शन जरूर कर रहे हैं। किसानों की क्या स्थिति है बिहार में और किस तरीके से वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं, ये समझने के लिए हम बिहार के मोकामा टाल इलाके में आए हैं। ये तारतर गांव है जहां इस वक्त जो धान है उसकी फसल कटने के बाद लोग उसमें से उनके दाने निकाल रहे हैं। अब वो बेचने जाएंगे इन धान की फसल को। कहां बेचने जाते हैं आप लोग? बेचने के लिए कहां जाएंगे, भावे नहीं है कुछ तो बेचेंगे कहां, धान बिकवे नहीं करता, कोई लेवाले नहीं है। कितना भाव चल रहा है अभी? 400-500 रुपये मांगता है धान, लेकिन 1800 से तो ज़्यादा उसका MSP है। लगावेगा दम तब ने, दामे नहीं लगाता है, कोई दामे नहीं, कोई मोले नहीं है, कोई किसान के कोई मुरादे नहीं है यहाँ। किसान के कोई मुराद है, कोई किसान के मुराद नहीं है। सरकार तो कह रही है कि जो MSP है, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, उस पर किसान बेचते हैं बिहार में और देश में ज़्यादातर किसान बेच रहे हैं। आप लोग नहीं बेच पाते हैं MSP? नहीं, वो झूठे बोलते हैं सरकार, वो तो बैठल उसी कुर्सी पर बोलते हैं, मैंने कि मैंने ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। किसान के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं सरकार, कुछ नहीं। खाद है बढ़ा, डीजल लाते हैं 85 रुपये लीटर। हाँ, ये 400-500 जो मिल रहा है आप लोग को, लागत कितना लगता है, आप लोग का खर्चा कितना होता है उसमें? खर्चा धान रोपने में बहुत खर्चा है, लगभग करीब मैंने कि 1 बीघा काटने आओ थी में तैयारी मैंने 5000 रुपया खर्च हो जाता है 1 बीघा में। बेच के कितना निकल पाता है? बेच के कहाँ, भावे नहीं है, बेच के कहाँ निकल पाएंगे, घाटा लगता है किसान के घाटा लग रहा है। तो ये बताइए कि दिल्ली में पंजाब हरियाणा राजस्थान के किसान प्रदर्शन कर रहे हैं 3 नए कानून जो आए हैं कृषि कानून, बिहार में प्रदर्शन क्यों नहीं हो रहा, किसान क्यों नहीं कर रहे प्रदर्शन? हम लोग करेंगे फैन रस, जो किसान करेंगे तो करेंगे। यहाँ कोई बिहार के जनता कोई समते नहीं है, किसान के कोई समते नहीं, कोई पूछे नहीं, तो कैसे हो सकता है? सरकार इस बात पर कोई ध्यान नहीं देता है, वो तो अपना राजनीति में लगा रहता है। क्या क्या फसल उगाते हैं आप लोग? हाँ, तो उगाते हैं मसूरी, बूट, खेसारी, तो टाल डुबल है, भर डाँडा, वो फसल होगा कि नहीं होगा, हम लोग तो भगवान भरोसा बुन दिए हैं। अभी टाल में जलम ये रहा कांटी, वो होगा नहीं होगा वो तो भगवान के भरोसा बुन दिए हैं। अच्छा, ये सारा फसल जो उगाते हैं बेचते कहाँ पर हैं? इसको पैक्स में बेचते हैं? पैक्स में तो सिर्फ धान खरीद होती है। पैक्स वाला आता है कहाँ? अगर आता है तो है, मैंने साग मुराई मैंने की खरीदता है मनमानी, इतना लेंगे ये भाव लेंगे, 500 रुपये अगर देना है तो दो, नहीं तो रखो। हम लोग के तो मैंने रुपया काम है, खाद के, तेल के, डीजल के, कहाँ से लाएंगे? देते हैं, चलो भाई 400 रुपये देते हैं, 500 रुपये बेचते हैं। किसान के लिए कुछ सरकार नहीं कर रहे हैं। ये बताइए कि पैक्स पर तो हालांकि सब फसल का खरीद होना चाहिए, अधिकतर फसल के, लेकिन वहाँ पर सिर्फ अभी धान की खरीद हो रही है, तो धान आप लोग बेच पाते हैं वहाँ पर? धान यहीं पर मतलब मनमानी जिसे जो एक आध वो किनते हैं वही उन्हीं के मतलब जो मांगते हैं भाव में वही भाव में दे दिया टैक्स वाले भाई ऐसा जो उठा ले जाते हैं। तो MSP पर उसको खरीदना है, टैक्स वाले किन पाते हैं नहीं वो ठीक है, मतलब अब आमो जनता किनता है, व्यापारी दे देता है, दूसरे को किन बातें हैं, अपना जरीमनी थोड़ा बहुत किन लिया हो गया बात। अच्छा, खत्म। पैक्स वाले भी डायरेक्ट नहीं खरीद रहे हैं, ठेकेदारी करके खरीदवा रहे हैं। ठेकेदार अपने थ्रू मनमानी करता है, बस जितना मतलब उसको मांग सरकारी रेट नहीं यहाँ चलता है। पैक्स को नहीं दे पाए फिर क्या करते हैं फसल का? ऐसे ही मतलब साग बाढ़ मुकामा करके मान लीजिए बेचते हैं, और क्या करें, माथा पर ले जा करके बाढ़ ले जाते हैं, मुकामा ले जाते हैं, उसके बाद बेचते हैं, जो भाव मांगा वो भाव देने पड़ता है वहाँ पर ले जाने पर, सरकारी रेट यहाँ है ये नहीं है कहीं। पहले मंडी होती थी, सरकारी मंडी होती थी, 2006 में ख़त्म कर दिया गया बाजार समिति, अब APMC एक्ट को उस समय ख़त्म कर दिया गया, अब पैक्स लाया गया, तो बेहतर कौन सा था, पहले वाला बेहतर था अभी वाला बेहतर? पहले तो यहाँ पर कुछ पते नहीं था। अरे आप लोग तो बुजुर्ग है ना, पहले जो बाजार समिति वाला सिस्टम था वो ठीक था या अभी पैक्स वाला है?
व्यापारी खरीदता था, अभी भी व्यापारी खरीद रहा है। व्यापारी जैसे हमारा तोरा नियर है ना, यही खरीदता था, अभी भी ये खरीदता है। यानी पहले भी चाहे जो नियम रहा हो, पहले भी व्यापारी खरीद रहा था, अभी भी व्यापारी खरीद रहा है। कोई नहीं, मैंने नियम कानून से कोई फर्क नहीं, कोई नहीं। वो मांगेगा कि 300 रुपया हमको दो, 300 से ज्यादा हम नहीं लेंगे, तब वो 300 भाव रह गया। 300 में हमको देना है, हमको खाद लाना है, पानी लाना है, बाढ़ है, बीमारी है, अगड़म है, बगड़म है, हमरा तो इसी से करने है। तो जो जितना मांगा उतने में दे दिए, 300 मांगा 300 में दे दिए, 500 मांगा 500 में दे दिए, 400 मांगा 400। अच्छा, तीन नए कानून बने हैं जिसका विरोध हो रहा है, पंजाब हरियाणा और राजस्थान के किसान कर रहे हैं, आप लोग को जानकारी है उस कानून के बारे में? विरोध हो ये रहा है, यहाँ पर कोई विरोध ही नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्यों होने कारण नहीं है कि यहाँ पर कोई मतलब खरीदवा लेनी है, जो वही बात करते हैं ना, जिसे हम एगो खरीद रहे हैं पर्सनल, तो हम ही मान लीजिए जो जो पूरे जैसे मांगेंगे वैसे दिया जाएगा, ये बात होता है। ये नहीं होगा कि सरकारी रेट लो, हम सरकारी रेट देंगे, तो वो बात यहाँ पर है ये नहीं। गरज के बस में देने पड़ता है, जो रेट मांगता है वही रेट में, और वो एक ही वो किन्ने वाला वो जो जैसे। विरोध क्यों नहीं हो रहा है बिहार में? क्यों नहीं विरोध हो रहा है? पंजाब हरियाणा के तो किसान विरोध कर, विरोध इसलिए नहीं हो रहा है कि विरोध करेंगे तो मान लीजिए अब अनाज के घर में अपना सहित करके रखिए, हम लेवे नहीं करेंगे आपको। विरोध करेंगे तो पुलिस मारेगा डंडा लेके। हाँ, सरकार बोलते हैं कि कोई अगर आंदोलन करे तो किसान के सबसे पहले मारता है, सबके मारता है, बूढ़ा बूढ़ी दुनियादारी। हम लोग टीवी में देखते हैं ना, किसी पर किसान पर पानी उछार दे रहे हैं, कोई लाठी चला रहे हैं, कोई की चला रहे हैं, बहुत अनर्थ कर रहे हैं किसान जुड़े। आप लोग को लाठी डंडे का डर इसलिए नहीं कर रहे हैं विरोध? तो आप कहा ले डरल मारिया खाइए, आओ आओ मार खाइए। तब कितना कितना भाव चल रहा है अभी धान का आपका? धान के वह 4-5 चलो या मन मार। तो MSP तय की 1800 समथिंग रुपया है, तो वो ऐसे तो नहीं लेते हमरे नियन। हम हो गई खरीदे वाला बोरा ले लिए, हम ही खरीद के भेजब, सप्लाई करब, नहीं खरीदो है। हाँ, क्या बोल रहा हो बताओ? एक्स वाला यहाँ धान नहीं खरीदता, नहीं खरीदता है। तो कहाँ बेचने जाते हो? बेचने नहीं जाते, यहीं आता है दूसरा कोई, मतलब प्राइवेट से व्यापारी आता है। अच्छा, तो बाकी जगह विरोध हो रहा है, बिहार में क्यों नहीं हो रहा है विरोध? सगर विरोध हो रहा है, बिहारों में विरोध हो रहा है, जहाँ जानकारी वहाँ हो रहा है, देहात में कौन आता है? पहला बार मीडिया वाला भी आया है, यहाँ मीडिया वाला तो नहीं है ना आते। हाँ, तो देहात में भी हो रहा है प्रदर्शन? तब देहात में प्रदर्शन हो नहीं रहा, सबके मन में तकलीफ है। गाली नहीं दो, नहीं हमको और बर्बाद कर दिया। क्या कर दिया? बर्बाद की किसान सब मर रहा है, बुझो इतना को घोड़ा पर ढो रहे हैं धान, 1 रुपया नहीं, अल्लू खाली महरक के लिए, धान तान में कोई जान नहीं। सवाल यही है कि बिहार में जो किसान है, क्या उन तक इन तीन कृषि कानूनों की क्या जानकारी सही तरीके से नहीं पहुंच पाई, क्या जानकारी का अभाव है या फिर दूसरे कारण हैं, वो कारण हमने समझने की कोशिश की और यही समझ में आया कि चाहे जो नियम कानून केंद्र सरकार या राज्य सरकार बना ले, सुदूर गांवों में किसान पहले भी व्यापारियों के हाथों अपनी फसल मनमानी कीमत पर बेचते थे, आज भी बेच रहे हैं और संभवतः आने वाले कल में भी बेचेंगे। हमारे सहयोगी आनंद कुमार के साथ उत्कर्ष कुमार सिंह, बिहार तक, मोकामा, पटना।